लेट्स से यू हैव अ बिजनेस प्लान, यू वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, ठीक है, इन दिस 2020, एंड यू हैव अ बिजनेस प्लान स्टार्टिंग अप अ रेस्टोरेंट, यू गो टू अ बैंकर और मे बी अ लेंडर, फाइनेंस प्रोवाइडर, कहीं भी आप गए, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ लोन फॉर दिस बिजनेस प्लान. Nobody will give you a loan this time, सही है ना. कोई भी आपको इस बिजनेस प्लान पे, जो बिजनेस प्लान क्या है कि यू वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट. अच्छा, अब आपसे कोई कहता है कि कैन यू चेंज योर बिजनेस प्लान, लाइक हाउ अबाउट यू स्विच ऑन टू सम अदर प्रोडक्ट. आपने कहा नहीं, मे बी इट्स योर पैशन और यू ऑलरेडी हैव अ कंपनी, यानी किसी भी तरह यू जस्ट वॉन्ट गो इन टू दिस फूड बिजनेस. तो रेस्टोरेंट बिजनेस पे तो आपको कोई लोन नहीं देगा, और मैं आपको यहाँ की करंट सूरत हाल भी बता रहा हूँ. बट देर इज वन कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड घोस्ट किचन. Ghost kitchen, या आप ऐसे डिटेल सर्च भी कर लीजिएगा. लेट मी गिव यू अ क्विक कॉन्सेप्ट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट घोस्ट रेस्टोरेंट, घोस्ट किचन. घोस्ट किचन क्या होता है? इट इज अ फैसिलिटी, एक किचन फैसिलिटी होगी, एंड यू विल गेट अ लोन ऑन दिस. सही है ना, ये आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और बड़ा यानी 2020 में बड़ा बूम आया इस कॉन्सेप्ट में, दिस घोस्ट किचन थिंग. इसमें होता क्या है कि यू हैव अ फैसिलिटी, यू स्टार्ट अप अ फैसिलिटी, किचन फैसिलिटी, यानी उसमें ग्रिल और ये ओवन एंड ऑल दीज थिंग, जो कुछ भी होता है. खैर, आई एम नॉट दैट प्रो. लेकिन इन दैट किचन फैसिलिटी देर इज नो डाइन इन कॉन्सेप्ट, और उस फैसिलिटी को यूज करेंगे मे बी मोर देन वन रेस्टोरेंट. सही है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो घोस्ट किचन फैसिलिटी है, घोस्ट किचन यू एक्चुअली ओन इट, लेकिन उसमें जो बर्गर बन रहा है मे बी इट्स मैकडोनल्ड, दे यूजिंग दैट लोकेशन, दैट किचन फैसिलिटी, घोस्ट किचन, मे बी KFC, एनी अदर XYZ ब्रांड, यानी वो सब जो है वो इस किचन फैसिलिटी को यूज करेंगे, एंड दे विल बी डिलीवरिंग देयर फूड, नो डाइन इन. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. यहाँ डैलस वगैरह इधर भी बहुत बूम आया इसमें, बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल दैट. खैर, अब यहां मैं बात करूंगा आर प्रोफेशनल स्टूडेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप. सही है ना, व्हेन दे टॉक अबाउट दिस प्रोफेशनल मार्क्स, उसकी बात करते हैं. जो रिजल्ट आया उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं, जाहिर है मेरे अपने स्टूडेंट नहीं है, जो जाहिर है कहीं और उन्होंने सेल्फ स्टडी किया या मे बी कोई वेबिनार्स वगैरह लिए. व्हेन आई आस्क देम अबाउट द प्रोफेशनल मार्क्स, मैं जब उनसे ये पूछता हूँ, दे हैव ओनली वन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल मार्क्स. उन्होंने कहा हमने यही हर चीज सुनी है कि इधर यू हैव टू यूज दिस टेक्निकल जार्गन, फॉर एग्जाम्पल यू टॉकिंग टू द बोर्ड ऑफ द CEO ऑल दैट, एंड यू हैव टू डू दिस फॉर्मेटिंग थिंग रिपोर्ट, और इसका फॉर्मेट आएगा एंड यूल गेट 20 मार्क्स. क्या हो गया भाई, दिमाग ठीक है, खैरियत है, यानी 20 कैश मार्क्स विच एक्चुअली गिव यू 40% पास इफ यू वॉन्ट 50 मार्क्स, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इतना होता है, और वो सिर्फ आपको इस तरह ये टेक्निकल वोकैबुलरी यूज करने पे, जार्गन यूज करने पे दे देगा ना. आप देखते हैं हर रिक्वायरमेंट में देर इज अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल मार्क्स, यानी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल मार्क्स की. फॉर एग्जाम्पल समटाइम इट आस्क यू एनालिसिस, समटाइम इवैल्यूएशन, स्केप्टिसिज्म स्किल, कम्युनिकेशन, कमर्शियल एक्यूमेंट. ये जो भी मैंने मिसाल दी है, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस घोस्ट किचन, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में केस आता है रेस्टोरेंट का, एंड यू आर सिटिंग इन दिस टाइम, कोविड टाइम या पोस्ट कोविड टाइम, और इस पेंडेमिक को एवरीबडी हैज सीन, और आप एडवाइसेस देना शुरू करते हैं, नो मैटर यू यूजिंग टेक्निकल जार्गन, रिपोर्ट फॉर्मेट एंड ऑल दैट, और आप एडवाइसेस देते हैं कि वी विल स्टार्ट अप सो मेनी रेस्टोरेंट, न्यू लोकेशंस एंड ऑल दैट, गेट जीरो प्रोफेशनल मार्क्स, कुछ भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके पास कमर्शियल एक्यूमेंट, कमर्शियल एक्यूमेंट, यू डोंट हैव अ साउंड बिजनेस नॉलेज, एक नॉनसेंस बात कर रहे हो. सही है ना, इस सूरत हाल में ये जो आप बात कर रहे हो, इसका मतलब यू डोंट हैव अवेयरनेस अबाउट द इंडस्ट्री. एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोई मुझे इस वक्त एडवाइस करे कि सर हाउ अबाउट यू स्टार्ट अप कॉलेज, फिजिकल कॉलेज, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, गेमिंग एरिया बनाएंगे, ऑल दैट, लेट्स हैव वन कॉलेज इन इस्लामाबाद, वन इन कराची, वन इन लाहौर, वन इन डैलस एंड ऑल दैट. मैं बोलूंगा क्या हो गया भैया, वंस अगेन इफ टॉकिंग अबाउट कमर्शियल इक्विपमेंट, गेट अ जीरो. क्यों, दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, तुम मुझसे इन्वेस्टमेंट करा रहे हो इन दिस थिंग. मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, गैस स्टेशन का बिजनेस, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, कन्वीनियंस स्टोर बिजनेस, इट्स वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, हमेशा होता है US में. लेकिन अब अगर आप बोलेंगे नहीं सर, इस वक्त तो आई कैन सी टेस्ला एंड इलेक्ट्रिक कार्स ऑन द रोड, तो मुझे फ्यूचर इसका बहुत डाउन नजर आता है, तो फिर किसी ने मुझे एडवाइस किया कि सर हाउ अबाउट वी ओपन अप नॉट द गैस स्टेशन बट द चार्जिंग स्टेशन, हम ऐसे बना दें, तो मैं बोलूंगा ये भी तुम गलत बात कर रहे हो. रीजन, आप टेस्ला को देखें, मैं बल्कि अपने सामने पड़ोसी को देखता हूँ, उसके पास टेस्ला है, तो वो उसको चार्ज पता कैसे करता है, जस्ट लाइक यू चार्जिंग अ सेल फोन, क्योंकि $500 का, जस्ट इन $500 यू गेट अ चार्जर, और उसी से आप चार्ज कर लेते हो. अब आप सोचें, आप किसी को एग्जांपल दे रहे हैं, बिजनेस एडवाइस दे रहे हैं, बिकॉज इन SBL पेपर यू आर अ स्ट्रेटेजिक, यू आर अ कंसल्टेंट एक्चुअली, और आप उसको एडवाइस दे रहे हैं कि लेट्स वाइंड अप द गैस स्टेशन, लेट्स हैव चार्जिंग स्टेशन, तो ये भी आपकी एडवाइस एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर जो है, फ्यूचर क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, मैं तो अपने सामने की बातें आपको बता रहा हूं कि वो चार्ज इस तरह कर रहे हैं, जस्ट लाइक यू चार्जिंग व्हाट, अ सेल फोन, उसी तरह चार्ज कर रहे हैं. नोबडी विल गो टू द गैस स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन, दैट्स द थिंग. अब आप बच्चा बाहर निकल के बोलता है यार
आई मस्ट गेट 20 मार्क्स, प्रोफेशनल मार्क्स तो मुझे आई मस्ट बी गेटिंग 100%, वो तो मुझे मिलेंगे. क्यों? बिकॉज आई यूज टेक्निकल जार्गन एंड आई हैव द गुड फॉर्मेट, ओपनिंग क्लोजिंग मैंने अच्छा कर दिया, दैट्स इट. ना भाई, हर रिक्वायरमेंट की बात अलग है. तो अभी आई जस्ट टॉक अबाउट कमर्शियल एक्यूमेंट. बच्चा अजीब सोच के बैठा होता है व्हेन लाइक व्हेन ही इज अटेम्प्टिंग द पेपर, व्हेन ही इज इन द एग्जामिनेशन हॉल, उसको ऐसा लगता है कि उसकी सीट के नीचे मिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हैं, बस धड़ाधड़ एडवाइस करा होता है. ना इंडस्ट्री के बारे में सोचता है, ना कोई बिजनेस सेंस उसका है, ना वो कंपनी की लिक्विडिटी को देख रहा है, ना कोई प्रॉफिट, कुछ भी नहीं. अरे भाई, नए जहाज खरीदो, न्यू रेस्टोरेंट ऑल, दिस इज नॉट गोना वर्क. इस तरह नहीं होगा. दीज 20 मार्क्स प्रोफेशनल मार्क्स आर कैश मार्क्स, इसका टेक्निकलिटी से ताल्लुक नहीं है. लेकिन जो उसने एरिया आपसे पूछा है, हर रिक्वायरमेंट के नीचे वो पूछता है कि दिस टाइम इवेल्युएशन के, दिस टाइम आई विल बी गेटिंग यू फॉर कमर्शियल इक्विपमेंट, दिस टाइम फॉर दिस, एंड उन सबको समझना बहुत जरूरी है. एंड देन यू विल गेट दीज कैश लिक्विड मार्क्स. अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट मंडे नाउ. थैंक यू.